फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की हम बताने वाली है स्क्रीन टाइम कस्टमाइज़ कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो U20 SE। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में पहले बने तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको साउंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है, सॉरी फ्रेंड्स, डिस्प्ले ब्राइटनेस पर। इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ऑटो लॉक, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन टाइम होता है जैसे कि आपकी स्क्रीन मिनट मिनट में बंद हो जाती है, आप चाहते हैं कि ऑफ ना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ से कस्टमाइज़ करना होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप 30 मिनट का सेट करना चाहेंगे, 30 मिनट का रखने से ये होगा कि आपको आधे मिनट तक फ़ोन ऑफ नहीं होगा। और यहाँ पे दिखता है आपको 2 मिनट का, 2 मिनट का भी रख सकते हैं या फिर 30 मिनट का। मैं 30 मिनट का रखना चाहूँगी और फ्रेंड्स, मुझे काम रहता है इसलिए। और फ्रेंड्स, आप इसे यहाँ से स्क्रीन टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहीं पे आपको दिखता है फ्रंट स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये तो फ्रंट साइज़ है और यहाँ पे आप फ्रंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा वाला आ चुका है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा सेट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस पर क्लिक कर चुकी थी, यहाँ से बैक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से चेंज हो चुका है। ऐप के नेम भी और सेटिंग भी जाएंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से पतला हो चुका है। तो मेरे को ये पसंद नहीं है, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर से फ्रंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा दोबारा से। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से सेट हो चुका है। तो सेटिंग को ओपन करेंगे, देख सकते हैं अभी थोड़ा मोटा मोटे में आ चुका है। तो इसी प्रकार से फ्रंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप सीखिए कि फ्रंट स्टाइल को भी चेंज कैसे करते हैं। फ्रंट साइज़ भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि कितना भी बड़ा रख सकते हैं यहाँ से आप। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ से बैक करेंगे, देख सकते हैं किस प्रकार से कस्टमाइज हो चुका है। इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। और स्क्रीन टाइम को तो आप सीख ही चुके हैं कि कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, और मैं 30 मिनट का ही रखना चाहूँगी। तो आई होप आप सीख चुके हैं स्क्रीन टाइम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।